तोड़ने वालों को, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, आजादी का नारा लगाने वालों को, गिरफ्तार करो, 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 आजादी का नारा लगाने वालों को, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार लेने वालों के लिए है। और अगर कोई वहाँ बैठ करके आजादी के नारे लगाता है तो बंद कर देना चाहिए ऐसे स्थानों पर, क्योंकि वहाँ पर धार्मिक कार्य नहीं हो रहा है। और ये जो मंदिर तोड़ा गया है ये भी एक जांच का विषय है, किन लोगों ने तोड़ा, किस तरह से मूर्तियों का अपमान करा। और सरकार, मैं SSP महोदय और DC जम्मू से कहना चाहता हूँ, इस सारे विषय को लेकर कुछ लोगों में नहीं है जी, काफी लोगों के अंदर पाकिस्तानी सोच अभी गई नहीं है। अभी वो जो कहते हैं ना, जैसे वो जो बाल काटने वाला उस तरह फिरता है, बड़ा एक अभियान चलाने की जरूरत है, नस्ते नबूद करने की जरूरत है इनको, तब जाकर के समस्या का समाधान होने वाला है। जम्मू के अंदर कोई लोग जुट करके मंदिर तोड़ने का, माननीय शैलेंद्र जी, SSP महोदय, चंदन कोहली जी, आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, उन लोगों को पकड़ो, अंदर करो। कौन सा ऐसा एलिमेंट है, किस तरह की घटनाएं घटी है जम्मू के अंदर? इस तरह की घटना पहले कभी नहीं घटी। और श्रीनगर जामा मस्जिद के अंदर आजादी के नारे लगाना, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है, वो मस्जिद के अंदर जाकर के नमाज पढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहते, कुछ तथ्य सारे वातावरण को दूषित करने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए मैं ये मंदिर के विषय के अंदर, वहाँ मूर्तियाँ फिर स्थापित की जाए, वातावरण को शुद्ध किया जाए, वहाँ सिक्योरिटी लगाई जाए, ताकि फिर दोबारा, एक बार पहले 5 वर्ष पहले घटना घटी थी, कहते हैं मंदिर जंगल के अंदर है, अगर जंगल के अंदर भी आपको सुरक्षा देने का प्रबंध करना होगा। और जो मस्जिद वाला विषय है, आज़ादी के नारे लगे, इतनी देर बंद थी, क्या हो गया? अगर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन 2 वर्ष लगातार बंद रही, क्या हो गया वहाँ, अगर वो लोग उसका समाधान करने का प्रयास नहीं करना चाहते थे? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ पर, कि हमको ऐसी मस्जिद, ऐसे व्यवस्थाओं का निर्माण नहीं करना होगा। यहाँ पर हिंदुस्तान के विरोध की बू आने लगे, उसको हमको समाप्त करने का प्रयास करना।